देखिए आज हम अंडा करी की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आपको अंडा पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, अन्नू की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा करी। अंडा करी बनाने के लिए हमने बॉयल 6 अंडे लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने लिए हैं 5-6 लहसुन के कलियाँ और कुछ इलायची दाना और 2 हरी मिर्च। सभी चीज़ों को हम मिक्सी में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इन्हें पीस लेंगे। हमने एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें हमने सरसों का तेल डाले हैं 5-6 चम्मच के करीब में होगा। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए इसमें हम एक एक करके हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हम इन्हें लो फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें चारों तरफ से पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से देखिए हमारा अंडा फ्राई हो गया है। वही है, एक एक करके निकाल लेते हैं। हमने अंडे को निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें तेल में डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और ये 5 फोरन चुटकी भर। इन्हें हम थोड़ी देर इसे चला लेते हैं। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज का बारीक कटी हुई प्याज। अच्छे से चला लेंगे। इन्हें हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इन्हें मीडियम या फिर हाई फ्लेम में भूनेंगे। देखिए हमारा प्याज काफ़ी हद तक भुन चुका है। इन्हें हम थोड़ा सा और भूनेंगे, जब तक ना पूरी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भूनेंगे। देखिए हमारा प्याज भुन चुका है, ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार। अच्छे से चला लेंगे। हम फ्लेम को लो कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इन्हें पकाएंगे, जब तक हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इन्हें पकाएंगे। देखिए मेरा टमाटर गल गया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं जो हमने बनाए थे। मीडियम चला लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मीडियम भूनेंगे, 1-1.5 मिनट के लिए। हमने 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम में भून लिए हैं।
अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले डाल दिए हैं। हम इन्हें भी थोड़ा चला लेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही मसाला भूनने के लिए। मैं इन्हें 2-3 मिनट तक और भूनूंगी लो फ्लेम पे। हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिए हैं, देखिए अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, एक बार और चला लेते हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें बॉयल आने देते हैं। तब तक हम इधर अंडे में चाकू की मदद से इस तरह से कट लगा देंगे। हमने 3 कट लगाए हैं तीनों तरफ से। इसी तरह हम सभी अंडे में लंबा लंबा कट लगा लेंगे तीनों तरफ से इस तरह से। हमने सभी अंडे में इसे तीनों तरफ से लंबा लंबा कट लगा लिए हैं। देखिए इधर हमारा ग्रेवी बॉयल हो रहा है, उबाल आ गया है इसमें। और हम इसी में डाल देते हैं सारे अंडे को। एक बार इसे चला लेते हैं। अब 1-2 मिनट के लिए इसे और थोड़ा बॉयल होने देते हैं अंडे के साथ। देखिए बॉयल हो गए हमारा। अब हम इसमें इसे धनिया पत्ता डाल देते हैं। और चला लेते हैं इन्हें। हम गैस को ऑफ कर देंगे, पक चुका है हमारा। लीजिए हमारा अंडा कड़ी बनके तैयार है। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।